कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं निक्की गुप्ता और मेरे किचन यानी कि निक्स किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी आने वाला है महाशिवरात्रि, यानी कि 1 मार्च को है महाशिवरात्रि। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पसंदीदा और आप सभी का पसंदीदा ये कलाकंद की रेसिपी। तो ये फटाफट से बन जाता है और सभी को आता है पसंद। तो आप चाहे तो इसे होली फेस्टिवल या कोई भी अदर फेस्टिवल या फिर बर्थडे पार्टी हो उसमें बनाकर अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर गाय का दूध और 1 लीटर गाय के दूध से ही मैंने पनीर बनाया है। इस पनीर की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है चीनी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हम लेंगे इस तरह का फॉर्क या फिर पोटैटो मैशर, आप किसी से भी मैश कर सकते हैं या हाथों से ही मैश कर सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप इसे मैश कर सकते हैं। तो इसे मैंने पहले फॉर्क की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया है। तो इस तरह से आप इसे मैश कर लें। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसे फॉक से अच्छे से मैश कर लिया है, फिर मैं यूज करूंगी पोटैटो मैशर। तो इससे एक भी पनीर का टुकड़ा इसमें नहीं रहेगा। तो आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा भी पनीर का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको उसे अच्छे से मैश कर लेना है घुमा घुमा करके। तो हाथों से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हाथों से हम उलट पलट के चेक कर लेंगे कि पनीर का टुकड़ा इसमें है या नहीं। अगर होगा तो फिर से आपको पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लेना है। तो ये अच्छे से मैश हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी पनीर का टुकड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया। तो इसे हम रख देंगे साइड में। फिर हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे दूध, यानी कि 1 लीटर गाय का दूध। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, क्योंकि गैस की फ्लेम को अगर आप पहले से ऑन कर देते हैं तो कढ़ाई में दूध जो है वो लग जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे आपका मावा या खोया या फिर रबड़ी जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने अब गैस की फ्लेम को ऑन किया है और इसे चलाते हुए उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। तो इसे इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। आप चाहे तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका सकते हैं या फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो और ज्यादा समय लगेगा। तो मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया है। तो आप देख सकते हैं आधा दूध लगभग पक गया है, यानी कि ये आधा जल चुका है और ये गाढ़ा हो गया है। तो इसे पकाते हुए हमें लगभग 20 से 25 मिनट हो गया है। तो इसे इस तरह से किनारे से छुड़ाते हुए आपको पकाना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आपको कोई और काम है तो फ्लेम को लो करके ही दूसरा काम आप कर सकते हैं, और अगर आपको इसे जल्दी बनाना है तो हाई फ्लेम पर करके इसे कंटिन्यू चलाते रहें। और इसे इस तरह से साइड साइड से आप इसे निकाल लें। तो इसे हम इसी तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं ये लगभग गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम और 5 मिनट ही पकाएंगे। देख रहे हैं ना कितना अच्छा निकल रहा है इससे रबड़ी। तो इसी तरह से हमें किनारे को चलाते हुए ही पकाना है, आपके किनारे को साइड को निकालते जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लग जाएंगे और बाद में ये सूख जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। तो इसी टाइम पे आप किनारे किनारे से भी अपने स्पेचुला की सहायता से इस तरह से आप उसे निकाल लें। तो आप देख सकते हैं ये लगभग रेडी हो गया है, ये ठीक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम 2 मिनट और करेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध दिख रहा है। तो इसे बस 2 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि इसे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, नहीं तो ये खोया बन जाएगा, यानी कि मावा। तो इसे बस 2 मिनट पकाएं। थोड़ा सा और हमें गाढ़ा करना है, क्योंकि मैं बना रही हूँ रबड़ी। 2 मिनट के बाद देख सकते हैं ये
थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके ही यूज करना है और चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से पका लेना है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, फिर वापस से 2 चम्मच हमें चीनी डालना है, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच ही होगा। टोटल मैंने 4 चम्मच चीनी लिया था, जिसमें 1 चम्मच मैंने बचा लिया है, 3 चम्मच ही चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है अच्छे से इसमें मेल्ट होकर पक नहीं जाता है। चीनी डालने से दूध जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो उसे हमको पकाकर वापस से इसे गाढ़ा करना होता है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसमें बबल्स आने लगा, इसका मतलब कि ये प्रॉपर गाढ़ा हो गया है, यानी कि रबड़ी अच्छे से रेडी हो गया है, चीनी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को लो रखना है और पनीर को डाल देना है इसमें और अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेना है। जब तक पनीर अच्छे से दूध में मिक्स नहीं हो जाता, यानी कि रबड़ी में मिक्स नहीं हो जाता, तब तक आपको फ्लेम को लो रखना है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लें। तो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा दूध दूध दिख रहा है, तो इसे हमको पकाना है। यानी जब तक दूध पकेगा तब तक पनीर भी मेरा फ्राई हो जाएगा, यानी भुन जाएगा, उसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट लगा है, यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर आप इसे लगातार चलाते हैं तभी ये दानेदार बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये दानेदार होने लगा है। तो इस तरह से आप इसे गोल गोल घुमाते रहें और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। हाई फ्लेम नहीं करना है आपको, इससे आपका कलाकंद जो है वो जल जाएगा, नीचे से सटेगा तो उसमें जला जला दिखेगा, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तो ये पककर रेडी हो गया। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ये रेडी हो गया है, यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है हमें। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी इसे चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होता है, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो नीचे से ये चिपक जाएगा। तो इसलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी कुछ सेकेंड के लिए इसे चलाते रहें। तो फिर हम लेंगे इस तरह का एक प्लेट, अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लगा देंगे घी और अच्छे से लगाएंगे घी। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिठाई जो है वो घी में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घी यूज किया है। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं। बटर पेपर लगाने से कटिंग करते समय इजी होता है काफी। फिर हम सारे कलाकंद को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही दानेदार बना है। इस प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही दानेदार बनने वाला है कलाकंद आपका। फिर स्पैचुला की सहायता से ऊपर के सरफेस को हम प्लेन कर देंगे। आप चाहे तो कोई चम्मच ले सकते हैं, उसके सहायता से आप इसके ऊपर के भाग को प्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ करने से पहले आप इलायची पाउडर या केसर इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। फिर मैंने इसके ऊपर से लगाया है पिस्ता। पिस्ता को मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर से डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर बादाम या काजू भी, या आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पिस्ता डालने से कितना खूबसूरत दिखने लगा है ये, और टेस्टी तो होता ही है। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो दिख रहा है ना एकदम बाजार जैसा, हलवाई के हाथों का बनाया हुआ। तो मैं भी हलवाई हूँ और ये भी हलवाई के हाथों का ही बनाया हुआ है। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो इसे हम 4 से 5 घंटा रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे ताकि ये जम जाए। और अगर आपको जल्दी है तो इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो मैंने 2 घंटा फ्रिज में रखा था, तो ये अच्छे से जम गया है। तो हम लेंगे एक शार्प नाइफ और उसे कट कर लेंगे। तो कलाकंद
वैसे भी काफी सॉफ्ट होता है तो कट करने से थोड़ी परेशानी होती है इसमें, तो ज्यादा वरी नहीं होना है आपको। इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहे तो इसे बर्फी आकार में भी काट सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे बाहर निकाल ले और कट करें तो ज्यादा इजी होता है। प्लेट में कट करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कट कर लिया है मैंने। अब एक मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना दानेदार है ना, एकदम परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं, तो मैं इसे अब आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितना दानेदार बना है। और मीठा इसका जो है एकदम परफेक्ट है, मैंने टेस्ट थोड़ा सा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या किसी भी ओकेजन, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या कोई भी ओकेजन हो, आप उसपे बना के अपने मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को सर्व कर सकते हैं। लग रहा है ना ये एकदम बाजार का खरीदा हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी और कितना सॉफ्ट दिख रहा है ये। तो इसे ट्राई जरूर करें इस शिवरात्रि में, और होली भी आने वाला है, आप उसमें भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूले, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।